एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सी समथिंग। सो गाइज, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए, बिकॉज आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि रजिस्ट्रेशन के टाइम आपको किन बातों का ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, इसके पहले मैंने आप लोगों को रजिस्ट्रेशन डेट ऑलरेडी बता दिया है, आप मेरी प्रीवियस वीडियो में जाके देख लेना, लिंक मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। उसमें मैंने आपको रजिस्ट्रेशन डेट बताई है एंड रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स बताई हैं। इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो रजिस्ट्रेशन के टाइम ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी हैं, बिकॉज मेरे टाइम पे भी मैंने कुछ गलतियां कर दी थी और मैं चाहती हूँ कि आप वो गलतियां ना करो अपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के टाइम, बिकॉज आपका यही रजिस्ट्रेशन आपके 3 साल के कैरियर, आपके ग्रेजुएशन के काम आएगा। सो आप सोच सकते हो कि आपका ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का टाइम है वो कितना ज़्यादा आपके कैरियर के लिए, आपके एंड होल 3 ईयर के लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आई विश कि आप इस वीडियो को पूरा देखोगे, लास्ट तक देखोगे एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करोगे, बिकॉज आई रियली वॉन्ट कि सबकी हेल्प हो एंड बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया है आप किन डॉक्यूमेंट में अंडरटेकिंग फिल कर सकते हो और किन डॉक्यूमेंट में अंडरटेकिंग आपको फिल नहीं करना होता है, तो आप वो वीडियो देख लेना, मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इसी के बिहाफ पे मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट है तो आप प्लीज़ उसे अपलोड कर देना अपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में, बिकॉज सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना ही पड़ेगा, उसमें अंडरटेकिंग का कोई प्रोसेस नहीं होता है। तो मैंने अपने पहले भी वीडियो में बताया है कि आप सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लो, अगर आपने अभी तक नहीं बनवाया तो अभी रजिस्ट्रेशन में थोड़ा टाइम है और आप अभी भी अप्लाई कर सकते हो सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट के लिए, तो वो आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम फिल करना पड़ेगा, उसके डिटेल्स फिल करने पड़ेंगे एंड उसके फोटो को आपको अपलोड करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको अपने 10th 12th के मार्क्स अपलोड करने पड़ेंगे, मार्क्स लिखने पड़ेंगे। अगर आपके रिजल्ट नहीं आए हैं, वैसे तो रिजल्ट आ जाने चाहिए CBSE के बिफोर ऑफ योर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से, बट अगर आपके रिजल्ट ना भी आए हों तो आप उसमें अंडरटेकिंग डाल सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अपार्ट फ्रॉम इट, ये सब हुई बेसिक चीज़ें कि आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, आप जितने भी डॉक्यूमेंट उसमें लिखा है अगर आपके पास हैं तो आप फिल कर दो एंड नहीं है तो आप अंडरटेकिंग डाल दो, उसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। बट हाँ, जो कास्ट सर्टिफिकेट है, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट है, ये सब आपके होने चाहिए। अपार्ट फ्रॉम इट, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम ध्यान देना चाहिए, इस ईयर तो खासकर आपको ध्यान देना चाहिए क्योंकि उसके वजह से आपका एडमिशन रुक जाएगा अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो। तो अगर आप ध्यान दोगे तो आपका एडमिशन मोस्ट प्रोबेबली अच्छे से सही से हो जाएगा। तो देखिए, उसमें सबसे पहले तो आपको करना ये होगा कि रजिस्ट्रेशन के टाइम बहुत सारे सब्जेक्ट दिए रहते हैं आपको फिल करने के लिए, चूज करने के लिए, तो आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा उसको प्रायोरिटी दे देना। मोस्टली बच्चों का होता है कि वो ऑनर्स ही लें, बिकॉज ऑनर्स में आपको एक स्पेशल सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। बट इस बार मैंने पहले भी बताया अपने वीडियो में कि इस बार का कट ऑफ जो है DU का बहुत ज़्यादा हाई जाएगा, बिकॉज कोई भी CBSE में बच्चे फेल नहीं होंगे एंड अदर बोर्ड में भी जहाँ एग्जाम नहीं हुए वहाँ बच्चे फेल नहीं होंगे एंड उनके मार्क्स काफ़ी हाई जाएंगे, तो इस बार का कट ऑफ भी काफ़ी हाई जाएगा। तो आपको करना ये है कि ऑनर्स को सिलेक्ट करना है अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, बट आपके पास रजिस्ट्रेशन के टाइम पूरी फ्रीडम है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सको। देखिए, मैंने गलती की थी, मैं उन्हीं सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटी दी थी जो मेरे खुद के मुझे जो लेने थे, तो हमारे टाइम पे तो चलो उतने ज़्यादा हाई कटअप नहीं जाते थे एंड एडमिशन हो गया था, बट इस बार का सिचुएशन काफ़ी डिफरेंट है, तो इस बार आपको थोड़ी समझदारी से स्मार्टली काम करना है। अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, आप जो सब्जेक्ट चाहते हो उसे प्रायोरिटी दो, उसे सिलेक्ट करो, बट अगर आपके पास ऑप्शन है कि आप दूसरे भी सब्जेक्ट सिलेक्ट करो, सपोज आप हिंदी ऑनर्स लेना चाहते हो और इंग्लिश ऑनर्स लेना चाहते हो, मैंने अपने पहले भी वीडियो में बताया है ऑनर्स की काफ़ी ज़्यादा डिमांड होती है जिसकी वजह से कटअप काफ़ी हाई जाता है, बट प्रोग्राम के कटअप काफ़ी लो जाते हैं एंड सीट्स भी ज़्यादा होती हैं। प्रोग्राम में BA प्रोग्राम हो, BCom प्रोग्राम है, इसमें 400-500 बच्चे तक पढ़ते हैं एक ही कॉलेज में, तो एंड ऑनर्स में 70-80 ऐसे सीट्स होती हैं, या साइंस में फिजिक्स ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स, उनमें बस 30-35 ऐसे सीट्स होती हैं, तो काफ़ी लैक ऑफ सीट्स होती हैं। अगर आपको साइंस के स्ट्रीम में ही आगे बढ़ना है तो आप इजली लाइफ साइंस भी कर सकते हो, अप्लाइड लाइफ साइंस भी कर सकते हो, बिकॉज ऑफ इट आपका एडमिशन हो सकता है, बिकॉज फिजिक्स ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स, इन सब के कट ऑफ जो है वो काफ़ी हाई जाते हैं एंड इस बार तो काफ़ी ज़्यादा हाई जाएंगे। तो आई विश कि आप इस बात को समझ रहे हो एंड आपके पास रजिस्ट्रेशन के टाइम आपको ऑप्शन मिलेगा तो आप पूरा फिल करोगे। एंड मैं बता दूँ, अगर आप 12th में सपोज
आपका साइंस स्ट्रीम था बट यू वॉन्ट टू गेट एडमिशन इन आर्ट्स स्ट्रीम फॉर योर फर्दर स्टडीज दें सो उसमें आपके 3% मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं. मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया, इस वीडियो में भी बता देती हूँ कि अगर आप दूसरे स्ट्रीम से जाते हो, अपने 12th के थोड़ा डिफरेंट स्ट्रीम चुनते हो, वहाँ पे आपके 3% मार्क्स डिडक्ट होते हैं. तो मैं अपने पहले भी वीडियो में इस बारे में बताई हूँ कि अगर आप पे 12th में साइंस से हो, आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, किसी भी स्ट्रीम से हो, बट आप ग्रेजुएशन में अपना स्ट्रीम चेंज करना चाहते हो और अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपके 3% मार्क्स डिडक्ट होंगे. ये बात आपको अच्छे से समझ लेनी है बिकॉज आपको लगेगा कि आपका कट ऑफ है वो मैच कर रहा है कॉलेज में, बट आफ्टर दैट यू विल गो देयर देन यू विल रियलाइज कि आपका एडमिशन वहाँ पे नहीं हो पा रहा है. वो कि जब वो आपके मार्क्स से आपके परसेंटेज निकालेंगे तो 3% मार्क्स डिडक्ट करके वो कटअप से मैच करेंगे. तो आपको इस बात को ध्यान रखनी है. एंड बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कि बेस्ट ऑफ 4 हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगी, आप वो वीडियो देख लेना. आई विश कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी एंड आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करोगे एंड चैनल को सब्सक्राइब करोगे. थैंक यू सो मच एवरीवन.